हैं ना भाई कि हमको कोई ऐसा जगह है जी जी जहाँ हम इतना ज्यादा पहले घूमते नहीं रहे। मेरा मकसद है इस यात्रा का कि हम काम देखें और क्या करना चाहिए उसको समझ लें और विस्तार का काम। और नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एबी न्यूज से बातचीत में कहा है कि बिहार में सभी कार्य अच्छे ढंग से जारी है और भी काम अच्छे तरीके से हो और भी बेहतर करने की संभावना में वो समाधान यात्रा पर निकले हैं। और मोतिहारी में समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सर, आपकी यात्रा को मैंने हर जगह कवर किया है, क्या अलग लग रहा है मोतिहारी में? क्या आपकी यात्रा को मैंने हर जगह देखा है, कवर किया, कल मुजफ्फरपुर में मैं था, क्या अलग लगा मोतिहारी में, सबसे अलग क्या लगा यहाँ पे? जी जी, आप लोग जानते हैं ना भाई कि हमको कोई ऐसा जगह है जी जी जहाँ हम इतना ज्यादा पहले घूमते नहीं रहे हैं जी जी, तो इस बार तो हम जान बुझ करके देखना चाहते थे ना, इतना काम हुआ और कभी फ्लड का सिचुएशन रहता उसमें भी एक एक चीज को देखते हैं। मामला है मुमकिन है, इसके लिए तो जब आए थे 1917 और उसके बाद आप जानते हैं कि 2017 में हम लोगों ने जो कार्यक्रम का आयोजन करवाया शताब्दी, और उसके लिए कहाँ कहाँ घूमे, तो एक जगह छोड़े और जहाँ से पैदल चल करके भी चले, तो एक एक चीज को, और ऐसे भी हर चीज को तो जानते ही रहे बिल्कुल। लेकिन अभी हमारा मकसद यही था कि जो भी काम हो रहा हो तो हो ही रहा है, लेकिन और कुछ होना चाहिए उन सब चीजों को समझना और जानना, तो यही मेरा मकसद है। इस बार मुख्यमंत्री मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूमि अधिग्रहण का मामला फंसा हुआ है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। मेरा मकसद है इस यात्रा का कि हम काम देखें और क्या करना चाहिए उसको समझ लें और विस्तार का काम। और राजनीतिक बात